हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू मैथ क्लास क्लास फोर एक्सरसाइज 20.3। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज कर्व। स्टूडेंट, जो इनमें से क्लोज फिगर है ना, उस पर आपको टिक का निशान लगा देना। तो देखिए, ये वाली क्लोज है, इस पर टिक का निशान लगा दो। ये भी क्लोज है, इस पर टिक का निशान लगा दीजिए। और ये भी क्लोज है, तो इस पर भी आप टिक का निशान लगा देंगे। और देखो, ये ओपन है, खुली हुई है ना, इसके अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं, है ना, ऐसे। तो ये खुली हुई है। क्लोज फिगर का मतलब है जहां से चले और वहीं पे आके मिल गए, तो क्लोज फिगर होती है जिसमें कोई अंदर जाने का रास्ता न हो। ठीक है जी, तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये भी आपकी क्लोज फिगर है, राइट। ठीक है जी, तो ए बी सी और ई आपकी क्लोज फिगर है। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व आर पॉलीगोन। इनमें से कौन सा पॉलीगोन होता है? तो स्टूडेंट, पॉलीगोन वही होते हैं जिनमें लाइन सेगमेंट होते हैं, और लाइन सेगमेंट सिर्फ इसी में ही है ना। इसमें लाइन सेगमेंट है लेकिन कर्व लाइन है। ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। तो हम इस पर टिक का निशान लगा देंगे कि भाई ये हमारा सी वाला जो है वो हमारा पॉलीगोन है। ठीक है जी, नेम द फ्लोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द गिवन सर्कल। ये सर्कल दे रखा है आपको, ये बताना है इनमें कौन सा रेडियस है, कौन सी डायमीटर है, क्या है। ठीक है, तो पहले इसने पूछा है रेडियस। रेडियस कौन सी होती है? स्टूडेंट समझ लीजिए, रेडियस क्या होता है? ये आपका सेंटर है, केंद्र है। सेंटर से अगर कोई भी लाइन सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस है इसकी चारों की जो परिमाप है ना, पेरीमीटर है ये, जिसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। अगर कोई भी केंद्र से यहाँ के मिलती है तो वे सब रेडियस होती है। ठीक है जी, तो यह ए और ओ मिल गई, ए और ओ, ओ और बी मिल गई, और ओ और ई। तो स्टूडेंट, ये तीन रेडियस है इसमें, और तो नहीं है ना। कोई भी जो सेंटर है, सेंटर से कहीं और नहीं मिल रही। एक तो बी पे मिली सेंटर से, एक ए पे मिली, एक ई पे मिली, तो तीन इसकी क्या होगी रेडियस। जो भी लाइन सेंटर से सर्कमफेरेंस पे आगे मिल जाएगी वो रेडियस कहलाएगी। अब है जी डायमीटर। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होती हुई और दो आर इसके दोनों सिरों को टच कर जाए, है ना, यानी कि सर्कमफेरेंस को दोनों साइड से टच कर दे, तो वो डायमीटर कहलाती है। ये जैसे ओ और बी, ये हमारी रेडियस है, और जी ओ ए ये भी हमारी रेडियस है। तो ये दो रेडियस है लेकिन ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में है, तो ए और बी क्या बन गया, तो ये डायमीटर हो गया। तो स्टूडेंट, डायमीटर मान लीजिए यह हमारी 2 है, तो ये भी हमारी 2 होगी, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 हमारा डायमीटर हो जाएगा, है ना। तो ए बी जो है वो हमारा डायमीटर है। डायमीटर हमेशा रेडियस का दुगना होता है, और रेडियस डायमीटर की हमेशा आधी होती है, है ना भाई। किसी ने कहा कि डायमीटर 6 है तो रेडियस बताओ, आधी होगी तो 3 हो जाएगी। किसी ने कहा कि भाई रेडियस 2 है, डायमीटर बताओ, तो दुगनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा, है ना। तो भाई डायमीटर ए बी हो गया, और कोई डायमीटर है नहीं। अगर यह ई वाली भी यहां मिल जाती सीधी होगा तो ये भी हो सकती थी, लेकिन अब नहीं है। अब है जी सेंटर, सेंटर है जी हमारा ओ। ये तो हमारी थी नहीं, ये तो हमने ऐसे ही बताया था आपको, है ना। सेंटर है हमारा ओ, बीच में भी जो सेंटर होता है केंद्र, वृत्त का केंद्र। अब है जी कोण। कोण क्या है आपकी,
सी और डी जो सेंटर में ना जाकर और दोनों साइड मिल जाती है सर्कमफ्रेंस है वही हमारी कोर्ड कहलाते हैं। कोर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं और कोर्ड ही जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी कोर्ड होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लुक द एडजॉइनिंग फिगर, जो बराबर में फिगर दी दे रखी है जी। फिगर क्या है? ए बी सी डी फिगर है जी, ए है ना, इसमें चार लाइन है 1 2 3 4, तो ये चतुर्भुज हो गया यानी कि क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ फिगर, इस फिगर का नाम लिखो। क्या नाम है इस फिगर का? नाम क्वाड्रिलेटरल, क्यू यू ए क्वाड्री डी आर आई एल ए टी ई आर एल क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। यह स्टूडेंट इसे हम काइट भी कहते हैं, इसका स्पेशल नेम है काइट, के आई टी काइट यानी कि पतंगाकार, पतंग के आकार जैसी पतंगाकार। ठीक है जी, आप क्वेश्चन नंबर बी देखिए, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ऑल, इसमें कुल कितने लाइन सेगमेंट है। तो स्टूडेंट देखेंगे लाइन सेगमेंट कितने हैं, पहले वाली ट्रिक यूज करेंगे, 1 ए बी, ए बी 2 बी सी 3 सी डी 4 डी ए। भाई ए से शुरू होता है, ए पे ही खत्म होगा। अब स्टूडेंट इसके और भी है, इसमें नंबर 5 भी है, नंबर 5 है इसमें सी ए और नंबर 6 है डी आर बी, डी आर बी ये भी तो लाइन सेगमेंट ही है ना, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अब उनके नाम भी हमने आपको लिख के दे दिए, और इसने तो सिर्फ ये पूछा था भाई कितने हैं, नाम नहीं लिख पा रहा था, लेकिन हमने आपको नाम भी बता दिए। ठीक है, तो इस तरह आपने निकाल लिया भाई 6 हो गए। अब है राइट द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू ए, ए से कितने लाइन सेगमेंट है जो गुजर रहे हैं, है ना, यानी कि जो ए को टच कर रहे हैं कितने लाइन सेगमेंट है। देखो जी कितने है, नंबर 1 पर देखो ए और डी, ए से गुजर रहा है डी, नंबर 2 ए बी, ए से मिल रहा, अब नंबर 3 ए और सी। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया कितने लाइन सेगमेंट है जो ए से पास हो रहे हैं। अब है जी, हाउ मैनी डायगोनल डज इट हैव नेम देम, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल वे होते हैं वेयर एक डायगोनल होती है जो एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, है ना। भाई ये कोना है, इस कोने तक गई, ये भी कोना है, कॉर्नर है, वर्टेक्स है, तो ये इससे तक गई, तो इसमें 2 है। तो जी नंबर 1 सी ए, नंबर 2 डी बी। स्टूडेंट कितने डायगोनल है, इसने नाम भी पूछे और ये भी पूछा कितने हैं, तो आप ए सी भी लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, ये अगर इधर उधर हो जाए तो बस दो ही होता है, जो एक कोने से दूसरे कोने तक मिल जाए वही लाइन डायगोनल होती है, यानी कि विकर्ण कहलाती है। ठीक है तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द सर्किल विद द रेडियल। रेडियस होता है, रेडियस तो होता है सिंगुलर नंबर, और रेडियल होता है प्यूलर नंबर। ठीक है, कभी आप मिस हो, मुझे पता नहीं है रेडियल कहाँ से आ गया, है ना रेडियस। अब रेडियस कितनी दी है जी, 3.2, 3.6, 4 और जी 5.5 और 6। इन रेडियस के स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको सर्किल बनाने हैं। ठीक है, तो सर्किल कैसे बनाते हैं वो एक थोड़ी सी देर समझ लीजिए, है ना। मान लीजिए ये आपकी स्केल है, है ना, ये स्केल है आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 0 था, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो गया, है ना। तो स्टूडेंट फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ये हम मान रहे हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये 3 हो गया, है ना। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 4 हो गया। तो स्टूडेंट अगर ये पहले वाला 3, 3, 4, 5, 6 ये तो ये होते हैं, देखो 3 तक है तो यहां तक 3 तक लेंगे, और पॉइंट 2 है तो यहां तक की दूरी जो आपकी बुक उसमें लिख रही है स्केल में, तो यहां तक की लेंगे, 3 के बाद 1, 2, पॉइंट का मतलब होता है आगे का भाग, है ना। अगर 4.1 होता तो 4 के बाद में अगर यहां 1 होता ना तो ये हो जाता 1। ठीक है, तो आपको पहले जो बनाने के लिए लेनी है, देखिए ये आपका कंपास है, है ना, कंपास है, इसमें आप जब भी पेंसिल लगाएंगे तो पेंसिल जो ऐड करेंगे वो दोनों बराबर होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसी, और पेंसिल की नोक ब्रीक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आप अपने कंपास में पुरकार में इस तरह पेंसिल को ले लेंगे। फिर आपको कितनी दूरी भरनी भाई, 3.3 की भरनी, तो 3 तक तो ये ले लेंगे, और 2.2 ये छोटी छोटी लाइन mm की होती है, है ना, ये सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर 2 mm है ये, तो 2 mm जो होंगे ये होते हैं बीच के हिस्से, इतना हिस्सा जो होता है ये mm कहलाता है ना, तो 2 mm है। तो ये आपकी स्केल है, तो देखिए इसमें जो जिधर 15 लिखा हुआ रहता है, 1 से लेकर 15 तक के नंबर होते हैं वही सेंटीमीटर होते हैं, एक तरफ 6 होते हैं वही इंच होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये आपका 3 है, लिख रहा ना यहाँ पे 3, और 3 साथ के 1, 2, तो इतनी लाइन को आप लेंगे यहाँ से, जो पहली काली लाइन है ना यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, 0 से जो आगे की पीटी है यहाँ से नहीं लेंगे, ये तो एक्स्ट्रा है, जो पहली काली लाइन होती है ये हो, देखो ये पहली काली लाइन है तो यहाँ से नापना शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, इसमें भर लेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा पीटी है इसे नहीं नापते। ठीक है जी, तो जी जो ये कंपास है इसमें आपने कितनी दूरी ली, 3 सेंटीमीटर 2 mm, 2 छोटे डंडे, है ना, और 3 तक। अब फिर इसे ऐसे रख लेंगे यहाँ पे, है जी, ऐसे रख के और ऐसे धीरे 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 आप ऐसे से
फिसल गया। तो ये हो गया है ना, तो ये इसका बीच का सेंटर होता है। तो आप जो सेंटर होता है, सेंटर से एक लाइन ऐसे कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे मिला देंगे तो ये रेडियल हो जाएगी, आपकी रेडियस हो जाएगी, है ना। एक है तो रेडियस हो जाएगी। अब फिर आप यहां लिखेंगे 3.2 सेंटीमीटर, लिख दिया 3.2 सेंटीमीटर, तो सारे इसी तरह बनेंगे। अब स्टूडेंट आपको क्या करना, दूसरा बनाना 3.6 का। तो जो आपकी स्केल है, स्केल है इसमें 3 है और ये 4 और 3 के बीच में 5 का जो बड़े वाला, बड़े वाली लाइन है ना, उससे एक आ गई तो वो 6 हो जाएगी। तो देखिए यहां पर, यहां से और पहली काली लाइन तक, ठीक है, इसे गैस बना लेंगे रखते हुए। हो गई जी। तो जो इसका सेंटर है इसे भी सेंटर से ऐसे मिलाएंगे, है ना, और यहां लिख देंगे 3.6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह बन जाएंगे। तो ये लिखना जरूरी है नीचे, तो ये रेडियस होती है जो सेंटर से यहां तक चली जाती है। अब देखिए हमें बनाना है 4 का। 4 कहाँ है जी, ये रहा 4 का काली लाइन और ये रही थोड़ी सी, खोल देंगे सर पहली काली लाइन, है ना, यहां तक हो गया। तो इसे यहां पे बना लेंगे इसके नीचे है, तो ये रहा इसका सेंटर। यहां लिख देंगे 4 cm, ठीक है जी। अब आप इसके सेंटर का नाम भी लिख सकते हैं, सेंटर का नाम लिख सकते हैं आप, ओ, ओ इसका सेंटर है, चेना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5.5, तो फिर देखिए 5.5 कहाँ है, ये 5 है और 5-6 के बीच में एक काली लाइन है बड़े वाली, तो वहां पे रखेंगे प्रकार की नोक और पहले तक खोल देंगे जहां पहली काली लाइन है 0 वाली, ये यहां तक होगी, है ना, देखो बिल्कुल सही। अब इसे भी रख के और ऐसे कर देंगे, ये रहा जिसका सेंटर। तो स्टूडेंट ये जो जो सर्किल बना रहे हैं हम, ये बिल्कुल सही है एकदम, क्योंकि बिल्कुल सही नाप के ही बना रहे हैं, तो इतने ही बड़े बनेंगे अभी आपकी कॉपी पे भी, ठीक है जी। तो 4 का भी होगा, 5.5 का होगा, एक रहेगा जी 6 का, है ना। तो देखिए स्टूडेंट 6 कहाँ लिख रहा है, 6 ये रहा जी, है ना, यही है ना पहली काली लाइन, आप देख सकते हैं, है ना, देखिए ये 6 पे ही रखा है। अब हम इसे थोड़ी सी और करेंगे, या पहले वाली काली लाइन है, पहली काली लाइन है यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ तक हमने इसे खोल लिया, तो ये पूरी 6 की जो इसमें रेडियस आ गई, ये रेडियस होती है जब भी हम बनाते हैं, जो पुरकार खुला रहता है कंपास आपका, इस ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही रेडियस कहलाती है। और जब ये दोबारा ऐसे घूम जाती है तो डबल होके क्या बन जाती है, डायमीटर। तो स्टूडेंट यही पे आ जाएगा ये, है ना, ऐसे पकड़ना होगा,
ये रहा जी आपका इसका सेंटर। सिक्स सेंटीमीटर बन गए। तो क्वेश्चन नंबर फोर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फाइव था स्टूडेंट, ये फोर तो ये था, डबल डाल दिया तो यहां फाइव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल रेडियस ऑफ विच इज, तो रेडियस दी हुई है आपको, तो आपको क्या ज्ञात करना है जी, डायमीटर ज्ञात करना। स्टूडेंट देखिए, जो डायमीटर जो हमारी रेडियस होती है, रेडियस एक साइड की होती है, जो हम प्रकार में लीजिए अभी, और उसे डबल करेंगे तो इधर भी इतनी ही चली जाएगी, तो डबल हो जाएगी। तो डायमीटर का मतलब होता है कि जो रेडियस है उसका दुगुना, है ना। तो आप इन सबके आंसर देखते ही सार दे सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, सिक्स, इसका क्या आ जाएगा एट, इसका क्या आ जाएगा ट्वेंटी, इसका क्या आ जाएगा सिक्सटीन, इसका क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर, है ना। तो ये आंसर आपने देखते ही सार निकालिए, बस इतना ही था, डबल करना, टू से मल्टीप्लाई करना है, है ना। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे हम सोल्यूशन, सोल्यूशन ए लिख लिया जी। सोल्यूशन के बाद में लिखेंगे हम गिविंग, सब में ऐसे लिखेंगे जी आई वी ई एन, गिविंग दिया है, क्या दिया है आर, आर दिया है, आर फॉर रेडियस, कितनी थ्री सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या बन, क्या निकालना हमें, डायमीटर, तो डी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई टू, तो आर कितना है हमारा थ्री, और टू यहां आ गया तो सिक्स सेंटीमीटर आंसर। ओके स्टूडेंट, देखो आया ना सिक्स, ये आंसर आ गया सिक्स। अब सोल्यूशन नंबर बी, सोल्यूशन बी गिविन, जी आई वी ई एन गिविन इक्वल टू आर, कितना है जी एट, रेडियस एट है, पूरा भी लिख सकते हैं आप, तो डी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई टू, यानी कि डायमीटर इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई टू, रेडियस कितनी हमारी एट मल्टीप्लाई टू, एट टू जा सिक्सटीन सेंटीमीटर आंसर। ओ हमने भूल से लिख दिया, एट आंसर लिख दिया, यहाँ पे फोर था भाई, यहाँ फोर कर लीजिए। तो एट आ गया, देखो एट ही आ रहा ना आंसर, ठीक है जी। अब सॉल्यूशन सी गिविन, जी आई वी ई एन गिविन दिया है, क्या दिया है रेडियस, कितनी टेन, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई टू, तो टेन मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर आंसर, ठीक है जी। आ गया ना ट्वेंटी, देखो ट्वेंटी लिख रहा था हमने, यहाँ पहले ट्वेंटी लिख रखा था। तो सभी बहुत आसान है, इसी प्रकार हो जाएंगे। अब है जी डी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डी गिविन, जी आई वी ई एन गिविन दिया है, क्या दिया है रेडियस, कितनी एट सेंटीमीटर,
तो फॉर्मूला डी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई टू, तो जी आर कितना हमारा 8 मल्टीप्लाई टू इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है जी, अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ई गिविन, जी आई वी ई एन गिविन आर इज इक्वल टू 12। सेंटीमीटर तो डी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई टू, आर कितना है जी 12 मल्टीप्लाई टू 12 टू जा 24 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7, पिक द रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर फ्रॉम द फ्लोइंग। नीचे स्टूडेंट आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर दिए हुए हैं, आपको इसमें से पिक आउट करना है, यानी कि पहचान करनी है कि इनमें कौन सा रेक्टेंगल है और कौन सा स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए, साइड के आधार पर हम इनकी पहचान करेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने इनकी साइड दी हुई है। जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट, उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, यानी कि सभी की माप बराबर बराबर होंगी, इक्वल होंगी। और जो रेक्टेंगल होगा उसमें लेंथ और ब्रीथ अलग अलग होंगी, और आमने सामने की जो साइड होती हैं वे अपोजिट साइड होती है ना, वे इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, है ना। और रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, इनमें सभी एंगल जो होते हैं वे सब 90 डिग्री के होते हैं, बस इतनी सी बात याद रखनी। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड आमने सामने की 1-1 है और इधर 3-3 है, तो लेंथ और ब्रीथ दोनों है, और सभी एंगल जो है वे हमारे 90 डिग्री के हैं। तो ये क्या है जी, हमारा रेक्टेंगल, हम इस पर लिख सकते हैं रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी एल ई रेक्टेंगल। अब इसमें चारों साइड इक्वल है, 3-3-3-3 है ना, और सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए आमने सामने की 3-3 है और ये 5-5 है, सभी एंगल 90 डिग्री के आगे, तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट ये सब 2-2 है, चारों साइड है, चार ही रेक्टेंगल है और स्क्वायर में 4 ही साइड होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर। ठीक है, जिसमें चारों एक जैसी हो तो वो स्क्वायर है, जिसमें आमने सामने दो साइड दे रखी हो, एल इतनी और बी इतनी, तो स्टूडेंट में क्या होता है रेक्टेंगल। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इफ द डायमीटर इज। तो स्टूडेंट नो कह रहा कि एक सर्किल है, उसकी रेडियस निकालनी है आपको, क्या निकालनी है रेडियस। मान लीजिए आपका एक सर्किल है, मान लीजिए ये एक आपका सर्किल है और इसमें डायमीटर दे रखा, ये सेंटर है, डायमीटर क्या होता है, जो रेखा सेंटर में को होती हुई पूरी आर पार हो जाती है ना, तो ये हमारा डायमीटर है। तो ये डायमीटर पूरा कितना है जी, यहां से यहां तक की जो इसकी लंबाई है, मान लीजिए इसकी 6 है ना, तो ये सेंटर है बीच में, तो ये आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, तो स्टूडेंट 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर। अगर डायमीटर दे रखा, रेडियस निकलवानी, मान लीजिए ए है या बी है ना, ए बी है, तो ए बी 3 है और ओ बी भी 3 होगी, आधी इधर होगी आधी इधर होगी, दोनों मिलकर कितनी हो जाएंगी 6। तो यह भी रेडियस है, यह भी रेडियस है, रेडियस हमेशा डायमीटर की आधी होती है ना। तो अगर देखो डी कितना है हमारा 6 है,
आधी को आधी के लिए टू से डिवाइड करते हैं तो थ्री आंसर आ गया। ठीक है जी। तो अगर आपको कोई भी डायमीटर दे रखा उसे आधा कर दो, 10 है तो 5 कर दो, 20 है तो 10 कर दो, 8 है तो 4 बता दीजिए, ये रेडियस है ना। तो इसी तरह स्टूडेंट ये सारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए, ठीक है जी, गिविन दिया है जी आई वी ई एन। तो पहले तो हमने यार लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में, सिक्स वाले में। अब इसमें हम यहां लिखेंगे डी, क्योंकि हमें डायमीटर दे रखा है। इफ द डायमीटर इज यानी कि ये है, तो डी इज इक्वल टू 1/8 है ना दिया है। तो हमें क्या निकालना, इफ के यहां आर आ जाएगा, पहले यहां डी था।